तो शेयर बाजार लाइव में आप देख रहे हैं इस समय की बाजार की स्थिति क्या है और उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। और आज जी बिजनेस आपको नए क्लेवर नए रंग रूप में भी दिख रहा है और इसलिए लगातार अपने साथ हम खास मेहमानों को जोड़ रहे हैं और उनसे समझ रहे हैं कि इस समय बाजार के अंदर हमको करना क्या है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ अरविंद सेंगर थे, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान है पुनीता कुमारी सिन्हा और उनसे हम बातचीत करते हैं। पुनीता शुक्रिया। देश बदल रहा है, इन्फोसिस की मैनेजमेंट तक बदल गई, जी बिजनेस भी नए क्लेवर नए रंग रूप के साथ आपको दिख रहा होगा। मैं आपका फर्स्ट कमेंट तो जी बिजनेस पे ही लेना चाहता हूँ। हमारी कोशिश हमेशा मैम ये रहती है कि आप कंज्यूमर्स का फायदा पहुँचे, उन व्यूअर्स तक वो फायदा पहुँचे, वो एनालिसिस पहुँचे जिसके वो सही मानों में हकदार है, जिसके मानों में उनको चाहिए ही वो। तो इसलिए मैं फर्स्ट रिएक्शन तो आपका जी बिजनेस के रीलॉन्च पे चाहता हूँ। वेल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आई थिंक नेक्स्ट ईयर जो है आपकी चैनल के लिए बहुत ही अच्छा रहे, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मैम इन शुभकामनाओं के लिए। लेकिन पुनीता जी, अब इम्पोर्टेंट ये है कि अभी इक्विटी मार्केट्स का सेटअप न्यूयॉर्क से मिल रहे या फिर कहीं यूएस से मिल रहे क्यूज का सेटअप लग कैसा रहा है, तो शुरुआत न्यूयॉर्क से यूएस से ही कर लेते हैं। ये यूएस से जो इंडिकेशंस मिल रही हैं अभी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जो रिस्क हैं वो क्यों ना हो, तो अभी जो सेटअप है ग्लोबली इंडियन इक्विटी मार्केट्स के परिप्रेक्ष्य से वो लग कैसा रहा है आपको? देखिए ग्लोबल मार्केट जो है अभी काफी हद तक जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स हैं उसको इग्नोर कर रही हैं। अभी मैं दो हफ्ते पहले ही साउथ कोरिया गई थी एक इन्वेस्टमेंट ट्रिप पे, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से बात की और जो कोरियन जैसे कि कार नॉर्थ कोरिया की जो इश्यूज हैं वो साउथ कोरिया पे तो काफ़ी इम्पैक्ट कर ही रही हैं। चाइना ने भी काफ़ी उस पर एक्शन लिया है, जैसे कि साउथ कोरियन कार्स हैं, साउथ कोरियन कॉस्मेटिक्स हैं जो कि चाइनीज बहुत हद तक बाय करते थे कंज्यूमर्स, वो अब उन्होंने बॉयकॉट कर दिए हैं। तो इस तरह से आप जगह जगह वर्ल्ड में देखिए एक तरफ का ट्रेड बैरियर्स काफ़ी राइज हो रहे हैं जो कि अभी नोटिस नहीं कर रहे क्योंकि इतने अपेरेंट नहीं है, पर आई थिंक नेक्स्ट 12 मंथ्स में मुझे एक ये ट्रेंड जो है नज़र आता हुआ लग रहा है कि ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं इसमें हम लोग ट्रेड का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक देखेंगे। जैसे यूएस कई कंट्रीज में बैरियर्स लगा रहा है इम्पोर्ट्स में, चाइना बैरियर्स लगा रहा है, हो सकता है इंडिया और चाइना में भी कोई बैरियर्स आ जाए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स में। तो इससे कंपनीज जो है वर्ल्ड वाइड जिन जिन सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी अर्निंग्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक ये जो है ग्लोबली मैं नोटिस कर रही हूँ और न्यूयॉर्क में यूएस में इन पर्टिकुलर अभी वैसे भी स्लो पीरियड चल रहा है, समर खत्म होने को आ रही है एक हफ्ते के अंदर, तो रियल जो लिक्विडिटी है फ्लोज हैं वो सितंबर 7th-8th के बाद ही रिज्यूम होंगे, तब कुछ डायरेक्शन आएगी मार्केट्स में। इससे लास्ट फ्यू मंथ्स थोड़े स्लो रहे हैं और पॉलिटिकल जो न्यूज है वो फ्रंट पे रही है। ठीक है प्रिंता, ये ग्लोबल टेंशंस के बीच में इंडिया को आप कैसे रेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि कंजम्पशन की स्टोरी तो इंडिया के साथ भी है, अगर ट्रेड बैरियर्स होते हैं ट्रेड इंपैक्टेड होगा तो इंडिया का भी होगा। हाँ, इंडिया जो है इतनी एक्सपोर्ट ओपन इकोनॉमी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो इंडिया के हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है जितने के से जो एक्सपोर्ट इकोनॉमीज हैं लाइक कोरिया चाइना, उन पे ज़्यादा असर पड़ सकता है, पर इंडिया पर भी कुछ हद तक असर पड़ सकता है, पर वो असर थोड़ा कम है। पर ये ज़रूर है कि जहाँ पर इंडिया चीप इम्पोर्ट्स ले रहा है कहीं कंट्री से, इंडिया को अपने जो है डेस्टिनेशंस थोड़े ध्यान से लेने पड़ेंगे, पर इंडिया का इसमें इतना इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता होगा इंडिया। पुनीता जी, जैसे कि आपने भी कहा भी कि आप साउथ कोरिया गई थी इन्वेस्टर मीट के लिए, आई एम श्योर ऐसी इन्वेस्टर मीट्स आपकी काफी होती होंगी, अभी इंडियन मार्केट्स को लेकर फॉरेन इन्वेस्टर्स का व्यू है क्या? क्योंकि जब निफ्टी 9000 के लेवल पर था तब भी वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लग रही थी, अब 10000 के नजदीक ट्रेड कर रहा है तो भी हाई वैल्यूएशंस की बात होती है, तो अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स का व्यू इंडियन मार्केट्स पर है क्या? क्या एक्सपेंसिव लग रहा है या फिर वो मानते हैं कि इन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ भी जो ट्रेंड है वो शायद और स्ट्रांग हो यहाँ से? अभी भी नेट ओवरवेट जो इंडिया के लिए है वो अभी भी कायम है, नेट ओवरवेट इंडिया
पर सब सभी का है और लॉन्ग टर्म इंडिया की जो स्टोरी है उस पर सब लोग बहुत पॉजिटिव हैं, तो इसलिए कोई भी अभी खास बेच नहीं रहा इंडिया में. पर अगर आप देखिए लास्ट वन मंथ की जो परफॉर्मेंस है, इंडिया में थोड़ा सा मोमेंटम कम हुआ है कंपेयर टू से चाइना एंड सम ऑफ द अदर इमर्जिंग मार्केट्स. सो अदर इमर्जिंग मार्केट्स का मोमेंटम थोड़ा पिकअप होता लग रहा है और इंडिया का कम. अगर आप अर्निंग्स रिविजन्स भी देखिए, ईपीएस एस्टिमेट्स, उसमें इंडिया के जो ईपीएस एस्टिमेट्स हैं वो अभी थोड़े रिवाइज इन रिलेटिव टर्म्स इतने अपवर्ड रिविजन्स नहीं हो रहे, इनफैक्ट थोड़े डाउनवर्ड रिविजन्स ही हो रहे आफ्टर द रिसेंट रिजल्ट्स कंपेयर टू सम अदर मार्केट्स. तो वाइल इमर्जिंग मार्केट्स जनरली अभी भी ओवरवेट है यूएस मार्केट के हिसाब से, उसमें जो इंडिया का जो ओवरवेट है बढ़ता हुआ नहीं लग रहा मुझे. इनफैक्ट थोड़ा शायद कमी हो जाए, पर कोई अभी शॉर्ट टर्म ट्रिगर ऐसा नहीं है जिससे कि इंडिया का ओवरवेट और बढ़ सकता है. इनफैक्ट अभी काफी हद तक इंडिया ओवरवेटेड ही रहा है. पुनीता जी, इंडिया में आपको वैल्यू और ग्रोथ कहाँ पे दिख रही है? ये अच्छी वैल्यूएशन और ग्रोथ को लेकर ही पूरा हेरफेर है मार्केट्स में, ये अच्छी वैल्यूएशन और अच्छी ग्रोथ कहाँ पर है? देखिए, काफी स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक अभी है, ऐसा नहीं कह सकते कि एक बहुत कोई बहुत जबरदस्त ट्रेंड नजर आता हुआ लग रहा है. बट हाँ, आई थिंक कुछ जीएसटी के बाद में कुछ कंपनीज में शायद ज्यादा बेनिफिट्स आएंगे, तो मुझे लग रहा है कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज में शायद, जो कि अभी इतना जो लार्ज कैप्स में है इतनी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म नहीं करी, उधर कुछ पॉजिटिव रिविजन्स आ सकते हैं. इंटरेस्ट रेट्स थोड़े कम होने से जो कि इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, रियल एस्टेट में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आती हुई लग रही है, तो उन एरियाज में भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है. बट ऐसा कोई खास अपेरेंट ट्रेंड अभी नजर नहीं आ रहा. जी पुनीता जी, ये सरकारी बैंकों पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि पहले तो एनपीए की प्रॉब्लम इमर्ज होना, वो भी बहुत बड़े स्केल पर, और अब सरकार और आरबीआई मिलकर इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को सॉल्व करने के लिए, क्योर करने के लिए कई स्टेप्स ले भी रही है, और इस ऑनगोइंग प्रोसेस के साथ अब एक और प्रोसेस ऐड हो गया, वो है सरकारी बैंकों का मेगा मर्जर, जिस पर शायद अब तेजी से कामकाज हो. लेकिन अभी व्यू है क्या ओवरऑल सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स पर? वैल्यूएशन देखिए, आपने बोला ना ग्रोथ वैल्यूएशन ट्रेड ऑफ, इन बैंक्स में वैल्यूएशन तो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. बट जो ग्रोथ अनसर्टेनिटीज हैं कि कभी कितना प्रोविजन हो जाए और कहाँ से कोई, अगर प्रोविजनिंग जो है खत्म हुई है कि नहीं, और न्यू एनपीएस का क्या सिलसिला है, उसमें अभी भी थोड़ी नर्वसनेस है. पर अगर आप वैल्यूएशंस देखिए, तो अगर ये क्लीन अप हो सके और मेगा मर्जर्स हो, उसमें कुछ बेनिफिशरीज रहेंगे और कुछ लूजर्स रहेंगे. सो जो बैंक स्ट्रांग है वो वीक बैंक्स को अगर अक्वायर करेंगे और मर्ज करेंगे, तो जो स्ट्रांगर बैंक है उस पर भी कुछ शॉर्ट टर्म नेगेटिव आ सकता है, पर जो वीक बैंक है उसमें बेनिफिट आने की संभावना है. तो आई थिंक अभी थोड़ा सा ये अनसर्टेनिटी इसमें सेक्टर में है, इसीलिए लोग अभी भी एनबीएफसीज को प्रेफर कर रहे हैं ओवर बैंक्स, क्योंकि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है. बट एनबीएफसीज के जो सेक्टर स्पेसिफिक एनबीएफसीज हैं, वहां पर अभी भी ग्रोथ काफी स्ट्रांग है. तो आई थिंक फॉर नाउ वही पे लोग ग्रेविटेट करेंगे. बट हाँ, some brave investors will start nibbling into the public sector banks. जी शुक्रिया पुनीता जी, आपने समय दिया जी बिजनेस को, और आप बॉस्टन में हैं तो अभी आपके सोने का समय है, तो विल से गुड नाइट टू यू, हैव अ गुड स्लीप. थैंक यू, गुड नाइट एंड गुड डे फॉर यू फॉर योर न्यू लॉन्च. थैंक यू मैम.